कुप्लन शहर के वार्ड नंबर 11 में शामिल हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने उन्हें हाउस टैक्स दिए जाने को लेकर नगर निगम की कमिश्नर से मुलाकात की और उनके समक्ष यह मामला उठाया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम में उनका क्षेत्र शामिल हुए करीब 3.5 साल का समय हो गया है, लेकिन यहां पर एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। लेकिन नगर निगम ने अब इस क्षेत्र के लोगों को भारी भरकम हाउस टैक्स जरूर थमा दिया है। इस मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों ने नगर निगम की कमिश्नर से मुलाकात की और उनके समक्ष यह मामला उठाया। लोगों ने बताया कि उन्हें एडवांस ही टैक्स जमा करवाने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। आज हम सब वार्ड नंबर 11 के वासी जो न्यूली मर्ज एरिया है कमिश्नर मैम से मिलने आए थे, तो हमारी मांग ये थी कि इतने 3 सालों में एमसी की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया गया, ना वहाँ बिजली की लाइट लगी, ना घरों के लिए रास्ते बनाए गए, कूड़े की समस्या अलग है, कुत्तों की समस्या अलग है, तो उस चीज़ से हम सब परेशान हैं। और अब जब हमें टैक्स आने लगे, टैक्स का भी निगम ने कहा था कि 3 साल तक हमें कोई भी टैक्स नहीं आएगा। अभी हमारी टैक्स वालों से बातचीत हुई है, कहते हैं वो सब एडजस्ट हो जाएगा। अगर एडजस्ट हो जाएगा तो टैक्स आए क्यों हैं, वो हमें नहीं आने चाहिए। तो इस बात से हम सब खफा हैं। और जब हमने ऊपर मैडम से बात की, मैम कहते हैं आपको अपने काउंसलर के पास जाना चाहिए। जब इलेक्शन होते तो काउंसलर हमारे घर घर आकर वोट मांगता है, तो अब कहाँ है काउंसलर? तो कम से कम काउंसलर को भी हम सब के पास आना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम मैडम के पास आए थे। मैडम से आश्वासन मिला, मैडम ने जेई की तरफ नोट तो कर दिया है, और फिर वही कहा कि आपको अपने काउंसलर को बताना चाहिए। जब काउंसलर 4 साल से नहीं आया तो अब कैसे आएंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? हम एमसी को पैसे दे रहे हैं, काउंसलर के घर को तो नहीं दे रहे हैं। तो एमसी को भी कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। एमसी मतलब ढीला रवैया रहा है उनका हमारे लिए। 11 से है जो न्यू मर्ज एरिया है, उस क्षेत्र से हम आते हैं। जब निगम में नया क्षेत्र आया था उस समय हमारे से वादा किया गया था कि नए क्षेत्र के लिए स्पेशल बजट दिया जाएगा, जिसमें हमारे लिए अभी तक एक पत्थर तक नहीं लगाया विकास का। और दूसरा है कि टैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। टैक्स के लिए बोला गया था कि आपको 4-3 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पानी का कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए क्या कहते हैं, सीवरेज की व्यवस्था होगी, सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। रास्ते की हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था नहीं है। मैं खुद भी 3-4 बार जो है ना रास्ते का क्या कहते हैं मजदूर लगाकर रास्ता बनाने का कार्य कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने रास्ते का कटिंग किया है, झाड़ घास को काटा है। दूसरा हमारा जो इशू है वो ये है कि स्ट्रीट लाइट कोई नहीं है। इसको लेके हम कमिश्नर मैडम के पास आए, उन्होंने कहा है कि अपना जो आपका पार्षद है उसको साथ लेके आना चाहिए। हमने कई बार पार्षद साहब को भी बोला है कि आप आओ हमारे क्षेत्र को देखो, हमारे क्षेत्र में जो व्यवस्था विकास के नाम की कोई नहीं है।